नमः शिवाय। आज वृष राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। आज जो बच्चे पैदा हुए हैं या होंगे वो उच्च महत्वाकांक्षी होंगे, मगर उनके माता पिता को थोड़ी चिंता, तनाव, अपव्यय की संभावना बनी रहेगी। आज जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, लगन उनके अंदर बढ़ी हुई रहेगी, उनकी पसंद उच्च कोटि की होगी और बहुत शौकीन होंगे। अब आज चर्चा करते हैं राशि क्रम में पहली राशि मेष राशि के लिए। आज आपका कार्य करने में मन लगेगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश मिजाजी बनी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, व्यापार सामान्य होगा, आज सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। अब राशि क्रम में दूसरी राशि पे चर्चा करते हैं, वृष राशि। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, ऊर्जा से भरपूर हैं आप, उन्नति कारक समय है, बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, हर दिशा में मन मुताबिक काम होगा, प्रयास करते रहें, ईश्वर की थोड़ी आराधना करते रहें। अब चर्चा करते हैं तीसरी राशि क्रम में तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए। अच्छे कामों में खर्च हो सकता है, बच्चों पर भी खर्च हो सकता है, अपनी दैनिक गृहस्थी में भी थोड़ा व्यय करेंगे, उत्साह बना रहेगा, दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। राशिफल की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में बताते हैं। कार्यभार अधिक रहेगा, दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ी थकान हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, व्यापार या नौकरी में अनुकूलता बनेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पत्नी का स्वास्थ्य भी मध्यम रह सकता है। राशि क्रम की पांचवी राशि सिंह राशि के लिए चर्चा करते हैं। व्यावसायिक उन्नति बनी रहेगी, मन खुश रहेगा, कार्य योजनाएं पूरी होंगी, धन संबंधी मामलों में सहायता मिलेगी, महत्वपूर्ण निर्णय आज ले सकते हैं, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। राशि क्रम की छठवीं राशि कन्या राशि के लिए बताते हैं। ठंड से बचें, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, मन में झुंझलाहट और बेचैनी बनी रहेगी, फिर भी भाग्यवश काम अच्छा होगा, शाम तक अच्छा महसूस करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखा पर थोड़ा ध्यान दें। राशि क्रम की सातवीं राशि तुला राशि के लिए बताते हैं। मन में कड़वाहट ना रखें, थकान महसूस करेंगे, प्रयास करें, कार्य योजनाएं रुक रुक कर पूरी होंगी, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, व्यापार संबंधी अनुकूलता मिलती रहेगी। राशि क्रम की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के लिए बताते हैं। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, अच्छे कामों में खर्च, घर गृहस्थी में भी खर्च हो सकता है, आँखों में जलन या संक्रमण की संभावना बनती है, बच्चों की पढ़ाई में मन कम लगेगा, व्यापार ठीक रहेगा, नौकरी में अनुकूलता मिलेगी, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। राशि क्रम की नवीं राशि धनु राशि के लिए बताते हैं। खान पान में बाहरी चीज़ों से बचें, संक्रमण हो सकता है, धैर्य रखें, चिड़चिड़ापन बढ़ सकती है, मन शांत रखें, किसी विवाद में ना उलझें, बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, आय संबंधी उलझनें थोड़ी बनी रहेंगी। राशि क्रम की दसवीं राशि मकर राशि के लिए चर्चा करते हैं। मन उत्साहित रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अचानक कुछ काम बनते नजर आएंगे, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है,
अनुकूलता बनी रहेगी, धन संबंधी मामलों में सहायता मिलेगी, लाभ होगा। राशि क्रम की 11वीं राशि कुंभ राशि के लिए चर्चा करते हैं। आपके शुभ कार्य संपन्न होंगे, खुशहाली महसूस करेंगे, धार्मिक कार्य में मन लगेगा, देव दर्शन हो सकता है, शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, आय संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, व्यापार में लाभ की संभावना अधिक है। राशि क्रम की 12वीं राशि मीन राशि के लिए चर्चा करते हैं। आज कुछ नया अनुभव होगा, आपको अंतर्ज्ञान महसूस होगा, कुछ अच्छा महसूस करेंगे, जो कार्य रुके हुए थे उसे पूरा करने की कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, धन लाभ सामान्य गति से मिलेगा, नौकरी में अनुकूलता रहेगी। थोड़ा इंतजार और करें, वार्षिक राशिफल लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।